कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम खान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोकी है। इंदौर पहुंचे असलम शेर खान ने पार्टी आला कमान से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला किया जाए। उन्होंने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने के लिए वह भी तैयार है। असलम शेर खान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सलाह देते सुने गए, कहा घुटन में रहने की बजाय वह अपनी बात खुलकर सामने रखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम शेर खान जब मीडिया के सामने आते हैं अपनी बात बेबाकी के साथ बोल जाते हैं। इस बार इंदौर पहुंचे असलम शेर खान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई। खान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आला कमान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जल्द से जल्द किसी की नियुक्ति करनी चाहिए और उन्होंने खुद को भी दावेदार माना है। होती रही और इंदौर में तो मैंने बहुत शुरुआत की है और इत्तेफाक से आज आपने फिर बात की। देखिए, कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसके अंदर मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस कमेटी जल्दी से जल्दी बने ताकि कांग्रेस का ये जो लल पीरियड आ रहा है, ये जो लल पड़ा हुआ है, क्योंकि पार्टी का संगठन बनेगा तब जाके उसमें गति आएगी। गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट बनाना पहला काम था, इसलिए सबकी यूनिटी है। तो मैं समझता हूँ अगर सब मिल बैठ के जो भी नाम तय करें, लेकिन नाम तय करें आप, क्योंकि ये दौर में कांग्रेस यहाँ पर रहना गैर हाजिर रह जाएगी तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत कांग्रेस के लिए आगे बहुत मतलब लाइन मिलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश तो बढ़ रहा है, फोर्सेज मतलब इश्यूज का ये ऐसा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है और ये समूचे भारत का इशू है। तो कांग्रेस पार्टी को ये तय कर देना चाहिए कि मध्य प्रदेश का अध्यक्ष जल्द से जल्द तय करें और पार्टी का गठन करें। तेज नहीं है कि मैं बन के कोई अपना एजेंडा है या मेरा कोई मतलब वो बचा है कि मुझे कोई पद चाहिए, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर ये मुश्किल हालात में ये मुझे अगर उतारेंगे तो मैं डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दूंगा मध्य प्रदेश में और इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि ये भारत जो है इसकी ताकत बनी रहना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए असलम शेर खान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सलाह दी कि वह घुटन में रहने की वजह खुलकर अपने दिल की बात सामने रखे। असलम शेर खान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजे जाने संबंधी चर्चाओं पर भी अपनी राय व्यक्त की। खान का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल राज्यसभा में जाने की बजाय पार्टी की किसी अन्य जवाबदारी को निभाना चाहिए। और भूमिका में तो है, जनरल सेक्रेटरी है, वर्किंग कमेटी के सदस्य है और मध्य प्रदेश के सम्मान्य नेता हैं। राज्यसभा भी उनके लिए ठीक है, लेकिन अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा जैसी, क्योंकि राज्यसभा जो मैं समझता हूँ वो जगह पॉलिटिक्स के जाने की नहीं है। वहाँ आप देखते हैं इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोगों की जगह है, जो एक जैसे कहते हैं ना वो कौन सा वो है कि मार्गदर्शक। राज्यसभा जो है वो मार्गदर्शक का रोल अदा करना का मतलब के लिए बनी है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत आगे है, अभी उनको जमीनी पॉलिटिक्स करना है। राज्यसभा उनके कोई उनको ऐड नहीं करेगी कि जैसे उनको ताकत देगी कि वो जमीन पे जाए, उनकी तो अपनी जमीन है। तो ये भारत फिर भी उनकी चॉइस है, अगर वो लेना चाहे तो बहुत। असलम शेर खान ने CAA के मुद्दे पर मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि यह मसला देश के विभाजन को लेकर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसी कानून को लेकर देश में विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, इंदौर।